मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है, तो वहीं जनता का वोट पाने के लिए सभी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। सभी दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में रोड शो करने जा रहे हैं, तो हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सिंगरौली में रोड शो किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिंगरौली में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे, तो वहीं भगवंत मान ने मध्य प्रदेश की जनता से ईमानदार सरकार चुनने का आग्रह किया। केजरीवाल ने कहा कि पूरे दिल्ली और पंजाब में बिजली फ्री करा दी गई है, पंजाब के 90% घरों में बिजली का बिल शून्य आता है। हम ईमानदारी की सरकार है, जो ना पैसा खाते हैं और ना ही खाने देते हैं। हम बड़ी ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं। अस्पताल में इलाज कराने बिजली फ्री कर दी इन्होंने, पूरे पंजाब में बिजली फ्री, जैसे दिल्ली में फ्री, पंजाब में भी बिजली फ्री। अब दिल्ली और पंजाब का काम पूरे देश में फैलने लग गया, घर घर में फैलने लग गया। पहले जहां ये पार्टियां कहती थी पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, घाटे में चल रही है सरकारें, अब ईमानदार पार्टी की सरकार आ गई, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। पैसे ही पैसे, सरकार में पैसे की कमी नहीं बची। क्यों? ईमानदारी से काम करते हैं, हम खाते भी नहीं है, खाने भी नहीं देते, खूब पैसा बच रहा है जी, बिजली भी मुफ्त, सड़कें भी बन रही है। रोड शो के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी आज देश की सबसे तेजी से बढ़ती और सबसे लोकप्रिय राजनीतिक पार्टी है। भगवंत मान ने कहा कि हम तो एक छोटे से शहर में भी पूरा हिंदुस्तान बना लेते हैं और बीजेपी हमें धर्म के नाम पर तोड़ देती है। यहाँ से चला शुरू हुआ यहाँ तक, अगर आप एक बार दोबारा जाएं ना तो आप दुकानों के नाम पढ़ते जाएं। भाई साहब, ये लोग हमें धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, लेकिन सिंगरौली की एक गली में पूरा हिंदुस्तान बसता है। एक मस्जिद है, एक हरे कृष्णा गारमेंट्स है, ये सामने हरिओम गारमेंट्स है, ये वाहेगुरु रेस्टोरेंट है। भाई साहब, हम तो एक गली में हिंदुस्तान बसा लेते हैं यार। ये हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें बांट रहे हैं। तो मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में बोला था, मैंने कहा लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। तो देश के लिए आगे आइए, आप देश का बहुत बड़ा हिस्सा हो, 140 करोड़ लोगों का देश है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। आप लोग बाहर आइए, मकानों से, दुकानों से बाहर निकल के उस दिन वोट डालिए। ये वोट का अधिकार हमें भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे शहीदों ने अपना खून देकर अपना वोट का अधिकार दिया है। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज़ पर।